इतनी खुशी हुई आप तो चेहरे से देख ही सकते हैं। खुशी की तो कोई सीमा नहीं है, ऊपर से घर वालों को गर्व हो रहा है, उसकी बहुत ज्यादा खुशी है। शेड्यूल क्या है पढ़ाई शेड्यूल जो था रेगुलर, जैसे कि रेगुलर पढ़ाई, ऐसे नहीं कि कभी 2 घंटे वाली कभी 6 घंटे वाली, ऐसे नहीं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो उसका एक रिजल्ट मिलता है, जो कि आज देख ही रहे हैं आप, अच्छा है। और घर वालों की जो आशीर्वाद, ऊपर से गायत्री माता है साथ में, तो बस का पढ़ाई का, मतलब जो टॉप पे जो नाम है उसमें आपका नाम सुना रहे हैं, उस बात की कितनी खुशी लेवल बताइए। ऐसे तो हमारे क्लास में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बट उनको भी क्रैक करके आगे जाना और टॉपर में नाम लेना, वो भी, इसकी तो और भी ज्यादा खुशी है। गम इस बात का है कि हिंदी में जो नंबर कटे हैं उनका चांस तो नहीं थे, बट पता नहीं कटे हैं तो। इंग्लिश में 2 कटे, हिंदी में 4 कटे। हाँ, इंग्लिश में नहीं, मैथ्स में कटे हैं मैथ्स में दो, 2 कटे। मैथ्स में 2 कटे हैं। आंसर की देखी थी उसमें तो सारे आंसर्स मैथ्स में सारे राइट थे, बट पता नहीं कैसे हिंदी कटे। में हिंदी 4 कटे। में जैसे कि चांस अगर बनता है तो उसका, जैसे कि विज्ञापन में अगर कटा हो तो एक कट सकता है, बाकी 4 नंबर बहुत कम चांसेस है। वैसे हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उसमें कटने के चांसेस रहते ही है। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे? हमारी क्लास में 44 स्टूडेंट्स थे। तो इन 44 में से आपने क्या अलग किया जो आप टॉप पे हैं और वो बढ़िया वो भी कर गए लेकिन टॉप पे नहीं है? ऐसे क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं, मयूर तो सभी टेस्ट से ही जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। ऊपर से टीचर्स ने जो सपोर्ट किया, उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया है, उसकी जो आज रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। हाँ, सभी बहुत अच्छा स्टूडेंट, सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। कोई कोई अभी फीकर है, कोई अभी कोटा है, उनका भी रिजल्ट आई होप कि बहुत अच्छा है, और मुझे पता है उनका भी बहुत अच्छा है, बट उनमें भी मेरा नाम है तो उसकी एक खुशी अलग ही है। तो रेगुलर रूटीन जो डे थे उस टाइम और जिस वक्त एग्जाम थे उस टाइम, दोनों के शेड्यूल में कुछ चेंज हुआ था या सेम चल रहा था? नहीं, यूँ एग्जाम के टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है, बट उस प्रेशर को कम करके अपन रेगुलर स्टडी करें। जैसे कि पहले अगर मैंने 5 घंटे की है तो एग्ज़ाम के टाइम मैंने 6 घंटे कर दी होगी, और नींद तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं घर में हम सबसे ज़्यादा मैं ही सोती थी एग्ज़ाम के टाइम भी और पहले भी। नींद बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरी सेहत का ध्यान तो मम्मी सकती है, जिसकी एग्ज़ाम के टाइम तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था मेरा, और मम्मी घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। घर वाले क्या करते हैं? मम्मी तो एक रेंजर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एंड पापा लेक्चरर है। मम्मी पापा में से दोनों में से ज्यादा सपोर्ट रहता है? ये तो मम्मी पापा दोनों का रहता है, बट पापा और मम्मी दोनों ड्यूटी पे ध्यान देते हैं, तो मुझ पे ध्यान यूँ एग्जाम के टाइम तो बहुत दिया था। और मम्मी जैसे कि गर्ल्स यहाँ पे हमेशा घर में जैसे कि थोड़े बहुत काम होते हैं, मम्मी ने वो भी बहुत काम कम करने को दिया कि बेटा आप पढ़ो। क्या 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 बनने का मन, टारगेट क्या है, गोल क्या है? सभी जैसे कि टॉपर होते हैं उनका गोल तो आईएएस होता है, सिविल सर्विसेज करने का। मेरा गोल थोड़ा डिफरेंट है, मेरा गोल छोटा सा और एकदम मुझे अच्छा लगता है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने बायो सब्जेक्ट चूज किया है, और अब देखते हैं।